नया दिन नई शुरुआत नया फ्लैट। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक ऐसा 2 BHK जो 60 गज में बना हुआ है, द्वारिका मोड़ के बिल्कुल बगल में है और बहुत ही ज्यादा सुंदर फर्निशिंग्स के साथ आता है। यहाँ पे मिरर वर्क है, वुड वर्क है, बहुत प्यारी प्यारी स्पॉटलाइट्स आपको मिल जाती है, कन्वेंस यहाँ की बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ ये गेटेड सोसाइटी में बना हुआ है। सो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज ट्रस्ट मी यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस। दिस इज मी अपुरा एंड यू आर वॉचिंग 7 Alley अफोर्डेबल। बिल्कुल देर ना करते हुए आइए फ्लैट का टूर शुरू करते हैं। मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर सी डिजाइनर वॉल जो आपको यहाँ पे मिल जाती है, वेलवेट के फिनिश और इसको और सुंदर दिखाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए आपको दो चीजें मिल जाती है। पहला, आपको अलग अलग जगह पे मिरर फिनिश मिल जाती है इस टाइप से जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज के आपके कलर टिंट्स में आ जाती है। इसी के साथ साथ वहाँ ऊपर आपको पैनल्स मिल जाते हैं जिसमें बड़ी प्यारी स्पॉटलाइट्स लगी हुई है, सो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक आपको देता है। नीचे आपका कारपेट का काम किया हुआ है, उसके ऊपर आपका सेंटर में कॉफी टेबल आ जाता है, उसके सारे सराउंडिंग में आपको मिल जाता है आपका सोफा जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है। अगर आप चाहें यहाँ पे किसी स्पेस को कुछ और के लिए यूटिलाइज करना है तो एल शेप सोफा भी उतना ही खूबसूरत लगने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे की चीजें बहुत अच्छी हैं, ऊपर अगर हम फॉल सीलिंग देखें तो हमारी डबल लेयर में फॉल सीलिंग है, वार्म मूड लाइटिंग है, हमारी LED लाइटिंग है, बीच में एक बड़ा ही खूबसूरत सा फैन लगा हुआ है जिसमें फैन तो है ही, उसी के साथ साथ लाइट फिक्स्चर्स भी आपको मिल जाते हैं। और इस पूरे के पूरे ड्रामा को बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए था ना सर, तो यहाँ पे आ जाता है आपका टीवी कैबिनेट। व्हाइट कलर की पैनल है, एम्बलिशमेंट के लिए बस ये एक पैनल से आपको दिए हुए हैं। नीचे में बड़ा सुंदर कर्वेचर्स आपका डिजाइन है जो बहुत ब्यूटीफुल डिमेंशन देता है। उसके साथ साथ आपको क्लोज एंड ओपन कैबिनेटरी मिल जाती है, ऊपर आपको मिरर फिनिश के साथ आपका मिल जाता है शोपीस का स्पेस जिसमें स्पॉटलाइट्स लगी हुई है। और अगर ये सब देखने के बाद आप सोच रहे हैं कि भैया AC का स्पेस कहाँ है, तो वो जो फिक्स्चर आपको वहां पे दिख रहा है वो वुडन फिक्स्चर जिसमें स्पॉटलाइट्स लगी हुई है वो सिर्फ एम्बलिशमेंट के लिए नहीं है, वहां पे आपकी AC की पूरी पाइपिंग छुपाई हुई है। आप वो हटा करके वो या फिर वैसे ही रहने दे सकते हैं और वहां पे अपना स्प्लिट AC लगा सकते हैं। अब मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा एक बड़ा ही प्यारा सा कॉरिडोर, इस साइड किचन, कॉमन वॉशरूम, रूम, सारी चीजें हैं, बट मैं आपको वो तब दिखाऊंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, उसके बाद मैं आपसे आगे वीडियो में मिलती हूँ ताकि मैं आपको और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें दिखा पाऊँ। वो तो मिरर फिनिश था। ये है आपका सुपर लैविश किचन आपके लिविंग स्पेस के जस्ट बगल में जिसमें बहुत सारी चीजें नोटिसेबल है। सबसे पहले ये वेट्रीफाइड टाइल्स, मोज़ेक डिजाइन में बहुत ही ज्यादा सुंदर आपको ये वेट्रीफाइड टाइल्स मिल जाती हैं। इस साइड पे आपको डीप सोकिंग सिंक मिल जाता है, जैगुआर की फिटिंग्स मिल जाती है। लाइक आई डोंट नो फिटिंग्स जैगुआर की कितने कम लोग देते होंगे उत्तम नगर में। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिरर फिनिश मिल जाती है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। यहाँ आपको एक जेड ब्लैक मैट फिनिश चिमनी मिल जाती है, ये आपका मरून कलर का काउंटर टॉप है। नीचे की कैबिनेटरी एंड ऊपर की कैबिनेटरी आपको बड़े ही प्यारे से येलोइश व्हाइट कलर में मिल जाती है। एंड इन सारी चीजों के साथ साथ आपको जो सबसे खूबसूरत चीज यहाँ मिलती है वो है ये हैंगिंग लाइट आपके किचन को एक बड़ा ही डिफरेंट सा लुक देती है। यहाँ पे ये स्पॉटलाइट्स आपको दी हुई है ताकि आपको एक डिफरेंट एज मिले अपने किचन में। और इन सारी चीजों के साथ साथ ये कॉरिडोर में घुसती पहली चीज है तो बड़ा ही ग्रैंड एंट्रेंस टाइप का देती है। सो टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस एंड द कॉरिडोर, आइए कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हमारे कॉरिडोर के अगले पड़ाव में आता है हमारा कॉमन वॉशरूम। अब कॉमन वॉशरूम की जब बात करें तो बेज कलर की आपकी बड़ी सुंदर सी वेट्रीफाइड टाइल्स मिल जाती है, ब्लैक कलर की एम्बलिशिंग टाइल्स मिल जाती है, जागुआर की फिटिंग्स मिल जाती है, एक राउंड मिरर मिल जाता है, उसके नीचे वॉश बेसिन मिल जाती है, WC बड़ी प्यारी है आपकी। इन सारी चीजों के साथ साथ बड़ा ही प्यारा सा लाइटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है आपके वॉशरूम में। अब इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। और ये जहां मैं खड़ी हूँ ये है हमारा कॉरिडोर, अब आइए आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा आ भी गए क्या, दैट वॉज फास्ट।
ये है हमारा कॉरिडोर, बड़ा ही प्यारा सा। हमारा नीचे ग्रे कलर का विट्रिफाइड टाइल्स है, ऊपर हमें हैंगिंग लाइट मिल जाती है, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा सा मिरर फेस मिल जाता है, जिसके ऊपर एक बड़ी ही प्यारी सी हमें स्पॉटलाइट मिल जाती है, फुल ऑन सेलिब्रिटी वाली फील देती है। एंड ये जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम, सो लेट्स गो इन। वो मास्टर बेडरूम ही क्या जिसमें आपका अटैच वॉशरूम ना मिले, और यहाँ आपको मिल जाता है आपको बड़ा ही प्यारा सा व्हाइट कलर का अटैच वॉशरूम। अगेन प्रीमियम सैनिटरी है, जैगुआर की फिटिंग्स है, मिरर है, सारी चीजें आपको पता है तो मैं बार बार नहीं बताने वाली। अब यहाँ मास्टर रूम में आपको मिल जाता है पूरा का पूरा यू शेप्ड कैबिनेटरी स्पेस, एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज, वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, व्हाइट एंड वुड का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बेड साइड स्पेस मिल जाती है, उसमें स्पॉटलाइट लगी हुई है ताकि वो एम्बलिशमेंट भी दे और आपको ईज भी दे, ताकि आप बेड साइड पे जो भी चीजें रखें वो इजिली एक्सेसिबल हो। ऊपर के आपके जो पूरी की पूरी स्पेसेस है वो आपकी उठाने वाली है, यहाँ पे जो भी स्पेसेस है वो खोलने वाली है। नीचे क्लोज कैबिनेटरी है, यहाँ पे साइड स्पेस मैंने बता दी, और ये जो आपका है ये किंग साइज का बेड है। स्टिल वॉकेबिलिटी देखिए कितनी आराम से मैं कर पा रही हूँ, सो कोई टेंशन नहीं है। आपकी जो फॉल सीलिंग है वो उतनी ही खूबसूरत है जितना आपका ये स्पेस है, बिकॉज वो पूरी की पूरी आपकी स्पॉटलाइट से एम्बेल्ड है, एलईडी लाइटिंग मिल जाती है, बीच में आपको फैन का स्पेस मिल जाता है। एंड हाँ, एक चीज मैं भूल ही गई, बेड के जस्ट ऊपर आपको हेड स्पेस भी तो मिलता है, तो हेड स्टैंड आपको मिल जाता है जो एक ऑलिव कलर में है, वेलवेट के डिजाइन में, मिरर एम्बेलिशमेंट्स के साथ आ जाता है, सो बहुत ही ज्यादा रॉयल फील देता है आपके पूरे के पूरे बेड के स्पेस को। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है एक पूरी की पूरी विंडो आपकी वेंटिलेशन के लिए, जो बालकनी में खुलती है, ये बालकनी का आपका डोर हो जाता है। एंड इन सारी चीजों के साथ साथ आपको यहाँ ऊपर मिल जाती है विंडो एसी की स्पेस। अब इतना सब कुछ हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है टीवी कैबिनेट। टीवी कैबिनेट यहाँ आपको मिल जाता है, व्हाइट कलर का टीवी कैबिनेट, गोल्डन कलर की एम्बेलिशमेंट, ऊपर स्पॉटलाइट, वुड की पैनलिंग, वेरी नीच, वेरी सिंपलिस्टिक डिजाइन। और इस सारी चीजों के साथ साथ आई एम डैम श्योर आप अब प्राइमरी रूम देखना चाह रहे होंगे, सो आइए चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैं लुक एंड फील ले रही थी कि इस रूम का हेड स्टैंड कितना खूबसूरत है, वेलवेट का आपको जो मैं बोलती हूँ कि आपका टेक्सचर मिलता है वो एक्चुअली मिलता है, यू नो दैट। एंड ऊपर आपको ब्लू की कलर मिल जाती है, यहाँ पे आपको ऑफ वाइट कलर मिल जाती है, इस साइड पे एक्चुअली दोनों साइड पे आपको बेड साइड टेबल्स मिल जाते हैं, ऊपर दोनों साइड पे आपको नाइट लाइट मिल जाती है, ये प्रॉपर एक वुड की पैनलिंग आपको माइका का वर्क मिल जाता है जिसमें व्हाइट कलर की एम्बेलिशमेंट आपको दी हुई है, किंग साइज का बेड आपको मिल जाता है, डबल लेयर्ड आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, उसमें वार्म मूड लाइटिंग मिल जाती है, स्पॉटलाइट्स मिल जाती है, बीच में फैन मिल जाता है, एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको आपका टीवी कैबिनेट। नीचे में ओपन कैबिनेटरी आपको दी हुई है, यहाँ पे इजिली एक 45 इंच का टीवी आप लगा सकते हैं, ऊपर आपको स्पॉटलाइट दी है, अगेन वो सिर्फ एम्बेलिशमेंट्स नहीं है, वहाँ पे स्प्लिट एसी की आपकी सारी वायरिंग, सारी की सारी पाइपिंग छुपी हुई है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। सो हर चीज का प्रोविजन दिया हुआ है आपको इस फ्लैट में, और इसी के साथ साथ ये गेटेड सोसाइटी में है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आइए चलिए नीचे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वहीं दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारी गेटेड सोसाइटी है, पूरी की पूरी सोसाइटी हमारी प्राइवेट है, सारी की सारी बिल्डिंग्स हमारी है। इसी के साथ साथ नीचे आपको गार्ड बैठा हुआ मिल जाता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो सारी चीजें सॉर्टेड है आपकी। यहाँ पे फर्निशिंग्स बहुत अच्छी है, यहाँ का साइज बहुत अच्छा है, 60 गज में 2 BHK बना हुआ है, गेटेड सोसाइटी है, नीचे गार्ड बैठा हुआ है, तो सिक्योरिटी सॉर्टेड है। इसी के साथ साथ आपका लोन भी सॉर्टेड है, ये प्रॉपर लोनेबल प्रॉपर्टी है, 80-85% आपका लोन हो जाता है मार्केट स्टैंडर्ड्स पे। इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, एंड न्यूली बिल्ट है, सो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, अभी जाना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करना है, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना है, आना है, विजिट करना है, अपने लिए फ्लैट सेलेक्ट करना है और इस फ्लैट को अपने लिए लेके जाना है। इसी बात पे दिस इज मी साइनिंग ऑफ, दिस इज मी अपूरा, एंड यू आर वॉचिंग 7 अफोर्डेबल।